अच्छा दसवीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर बताऊंगा जो कि आपका 19 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में देखने को थोड़ा सा मिलेगा। इसमें से ही अधिकतर इसमें से प्रश्न मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पहला ये, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन दूसरा बात करते तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है भैयू, ये यहाँ पर, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, इसी में से चीज़ें आपकी आ रही है परीक्षा में, कंप्लीट कर लेना बस, है ना। ये आपका सेक्शन भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे में बर्थडे पार्टी का है, ठीक है भैयू। पांचवा जो रहेगा वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको लिखना है। यदि हम बात करें सातवें क्वेश्चन की तो यहाँ से देखो आप, सी डज हर होमवर्क डेली, ठीक है। सी डज हर होमवर्क डेली, ठीक है। मोहन डेड फ्रॉम मलेरिया, क्या जाएगा, मोहन डेड आ जाएगा कि डाइड ऑफ मलेरिया जाएगा। स्टूडेंट मस्ट, यहाँ से मस्ट भर देना है। यहाँ से द मून वॉक स्लोली एंड साइंटली, और श्याम इज टालर देन सोहन, रीता इज सिटिंग, रीता जो है बैठी हुई है किसके बीच में, तो बिटवीन राधा एंड कविता। डू वॉज डायरेक्टेड है, ये यहाँ से देख सकते हैं, आई डू माई होमवर्क, तो आई डू नॉट माई होमवर्क। चिल्ड्रेन रीड्स बुक्स, तो देखो चेंज इन द वॉइस, तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन। रोहन इज माय फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो रोहन इज माय फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इट इज रेनिंग, तो इट हैज रेन्ड आ जाएगा, ठीक है भैया। यदि इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो अनलेस का यूज करना है आपको इसमें, तो इफ यू रन फास्ट, तो देखो यदि आप तेज दौड़ते हो तो मैं ट्रेन को पकड़ सकते हो, ठीक है। अब यदि नहीं दौड़ोगे तो नहीं पकड़ सकते, सीधी सी बता, अनलेस का मतलब ही नहीं तो होता है, ये कर सकते हैं आप आराम से, क्योंकि समय कम है बट आपके पास में, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और सेपरेट मैंने एक वीडियो बना दिया है सेक्शन सी का, तो उसको करना है। उषा रन से वेरी फास्ट, सी कैन विन द रेस, तो यहाँ वेरी की जगह पर सो जाएगा, यहाँ से डेट लिख देना है। नोवा ध्यान से देखना है आपको ये, ठीक है। ये यहाँ से भर दिया गया है आपके लिए, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए जल्दी जल्दी, ये इतना हो गया है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में ये यहां से, ये यहां से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से अपन इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं ना। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। इसके बाद में इसका अथवा ये है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका, 13वें में देख लीजिएगा 14, 15 और ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है भैयू। तो इसके बाद में चलिए, ये तो पेपर हो गया है ना। चलिए सॉल्यूशन को यहाँ से देखते हैं, ये आपको यहाँ से देखना है सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद में ये दूसरा देखते हैं, यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा आपका, यहाँ से बात करें तो चौथा, ये पांचवा रहेगा, यहाँ से छठा, ये यहाँ से आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12वां का देख लीजिएगा पहला, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, ये तीसरा हो जाएगा यहां से, इसके बाद में ये दूसरा रहेगा आपका यहां पर, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप, यहाँ से ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 15 का थोड़ा रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये इसका यहाँ से थो वाला रहेगा,